Yes, Utkarsh. मेरी आवाज आ रही है बेटा? Yes, ma'am. So, स्कूल में एग्जाम कब है, होने वाली है? हो गया वापस? कभी एग्जाम है अभी अगस्त? अभी अगस्त 12 से चालू हो रहा है. अच्छा, तो संस्कृत का क्या पोर्शन है? काम शिशुलामनम और इसके बाद वाला व्यायाम सर्वदा सर. अच्छा, शिशुलालनम और व्यायाम. व्यायाम वाला चैप्टर रखा है? बोर्ड ने तो कैंसिल कर दिया है. पढ़ा भी नहीं है. और पोर्शन में वो जननी तुल्य वत्सता है और समास से लगते हैं. याद नहीं समास सारे और भी नहीं, नहीं स्टार्टिंग के दो है. तत्पुरुष. हाँ तत्पुरुष और ये विभव भी चेक करना पड़ेगा मैं एक सेकंड में. धन्यवाद हमसे जीवन बने वाला है. गुड. हमको क्वेश्चन पेपर किधर भेजना है? मेल करो ना. यू डोंट हैव माय मेल आईडी? नहीं ठीक है, मैं यहाँ चैट बॉक्स में डाल दूंगी. मैंने एक बार आपको बोला भी था कि छोटे को भी डाउट है तो आप उसमें मेल भी कुछ महाराज मैसेज मिल गया था आपको? आज लेक्चर का मैसेज मिला था? हाँ. मैं जरा चैट बॉक्स में मेल डालती हूँ, सॉरी मेल आईडी डालती हूँ, जरा प्लीज शेयर करो बेटा तुम्हारा पेपर. उत्कर्ष. Yes, ma'am. मुझे मार्क्स भी मिल गए. मार्क्स भी मिल गए? हाँ मैम, 19 मिले. 20 वो एक बार का वो पत्र लिख करके थोड़ा जंबल हो गया. पत्र में गया कि फर्स्ट चैप्टर में? पत्र में. पत्र में? ओके. सीमा मेल आईडी है मेरी, बोला? समाज पर आपण थोडस घेतलं ते पेपर नाही देत मग घरी कसा ठेवलाय ते यांच्यासोबत डिस्कस झालं असं एक्झाम आहे काढा लागाल उत्कर्ष जरा शेअर करू बेटा जरा आम्ही थोडं डिस्कस करते व्हेरी गुड. मग मला माहिती का तुला माहिती? चल म्हणून काढ जरा आपण ग्रामरची पूर्ण रिकॅप घेऊया आमच्या मॅडमच्या एक्झाम साठी प्रॅक्टिस पण होईल. हा तेच ना, ते असं सगळं असं प्रॅक्टिस आहे. हिची पूर्ण प्रॅक्टिस होऊन जाईल एक्झामची. चला व्हॉल्यूम कडा पटकन. कुठली वाढ बघताय? फुल 35. आपण जेवण ब्रेक करतो म्हणून 35 सांगतो. तू आता असेल ते देऊन बघ. मागच्या तू फार कसं गेलं? 535. मम्मी तर सांगते ना माझी 540 ची ठेवली. बोल मम्मीने आपको भेजा पेपर. आज तो तुझे सुंदर आहे तुम्हाला. मी विचार नाही घेते पाच इथे असतं नाही सर सेशन मध्ये ना. मी 2 मिनिटात जाते. बोल मी 37 इथून लॉग आउट करते. पाटी लवीन सेशन बोल. तुमचा आमच्या विषयी येईन जनरेशन. बोल टेन्शन नको घेऊ. 5 मिनिटं आरामात बसशील समोर सेशन.
हाँ बोल रहा उत्कर्ष भेजा आपने? हाँ मैं भेजा। ठीक है वो हम सॉल्व करेंगे, उसके पहले हम थोड़ा ग्रामर का पूरा एक रिकैप करें कितना कितना याद है, लेट मी चेक। एनीवेज वी आर क्लोजिंग 5:30 ओनली, कारण अपन ब्रेक में गए, चल हमें तो ब्रेक हो सकते 2-3 मिनट से कैसे कहेंगे। मैं क्या होमवर्क दिया दिया था आयुष चैप्टर 4 का? मैम मुझे याद नहीं है। इतनी प्यारी सी स्माइल है तू, घर में भी स्माइल करके सारे प्रॉब्लम का सलूशन 1 मिनट में खत्म। जरा चेक करो अपना वॉल्यूम फिर सभी लोग, और मुझे बताओ चैप्टर 4 का चेक पूरा हुआ है? ज्यादा मुझे याद तो मैं आ गया 5 बजे तुम चला गए मुझे याद है। अरे पण त्याचं लेक्चर मिस काय 2 तास कुठेही झाला, चला पहिला होमवर्क इसे चेक कर जरा देवयाने तू पहिल्यांदा बघ, आयुष आप भी चेक करो, उत्कर्ष आप भी चेक करो। आता मुझे लगता है होमवर्क इसे मैंने आपको घर पे करने के लिए दिया था, तो एक बार रिकैप हो जाएगी कि हमारे मार्शल आर्ट्स में एब्सेंट है शिशु डालो नहीं हुआ हमारे वेदांत महोदय हिंदी में बोलो उसका शब्द आगे मराठी नहीं आती हिंदी में बोलिए हमारे आयुष महोदय क्वेश्चन मार्क चेहरे पर दिख रहा है। आयुष चलिए आप ही बताइए, आयुष की हिंदी बहुत अच्छी है। मुझे याद नहीं है चैप्टर अच्छे से, वो इसके बारे में था लव कुछ के बारे में। कहाँ था तू बता, तू तो लास्ट टाइम भी ऐसे में था ना? मैं 4:30 तक था, उसके बाद नहीं था। तो 4:30 तक हमारी स्टोरी हो गई थी, ये रिजल्ट तो तू दे ही नहीं सकती। बोल वो लव कुश के बारे में था, वो लोग मिलने आए थे राम को कोर्ट पे, बाद में नहीं सॉरी कोर्ट नहीं राजमहल में। हाँ तो बाद में उसने उनको अपना ही बच्चा समझ के प्यार दिया, और वो लोग एकदम डिसिप्लिन में थे। बाद में कुछ तो हवन था, हवन के लिए वो घोड़े को भेजा था। अरे आयुष वो कहानी मैंने उसके आगे वाली बताई थी आपके चक्कर में, वो कहानी सॉरी मैम। यस उत्कर्ष बेचारे प्रभु राम होते तो अभी तक बोलते हैं क्या मेरे इतिहास कुछ को याद नहीं, फिर मेरी गाथा को कौन आगे बढ़ाएगा? उत्कर्ष यस मैम, हम तो ये लव कुश राम के पास आते हैं गीत गाने के लिए, राम गीत गाने के लिए राम, और फिर राम को ने देख के ऐसा लगता है कि उनका कुछ तो कनेक्शन है, तो इसलिए वो अलग अलग तरीके से उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, और फिर मैम जब भी वो क्वेश्चन पूछते हैं तभी उनका जो आंसर रहता है वो लाइक राम को ऐसा रिलेटेबल रहता है, क्योंकि राम के साथ भी वही हुआ रहता है, और राम को लगता है कि अगर उसकी कोई संतान रहती तो उनका भी यही उनके भी यही विचार रहते हैं। तो फिर मैम लास्ट में क्यों ले बीच में है ना, तुम्हारे पिताजी के बारे में बताओ,
क्या रंग का नाम, तो क्या बोलते हैं लव कुश? लव कुश से उनके पिता का नाम कहते हैं। I want that particular word. कौन से शब्द से उनको पुकारते हैं? तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है बताते हैं? ठीक है, बता सकता हूँ मेरे पिताजी का नाम है। पढ़ से नहीं चल देखती है, चारों में से सबसे पहले कौन मुझे निकाला है? ढूंढो पास वॉल्यूम में पूरा चैप्टर है, देखो मैं ढूंढो वॉल्यूम में ढूंढो पढ़ से नहीं। यस दिवाली को दिख रहा है लेकिन बोल नहीं पा रही। निर्णु क्रोध निर्णु क्रोश इस नाम से बहुत ही दुष्ट क्रूर इस नाम से नवर कुश ने अपने पिताजी का नामकरण कर दिया। सही नाम किसी को भी नहीं बताया। फिर उसे पूछता है कि तुम्हारे माता का नाम क्या है, तो क्या बताते हैं? सीता। उनके माता नहीं सीता बोलते तो राम तो तुरंत पहचान जाते, तो सीता नहीं बोलते इससे तो कंफ्यूजन। यस कौन से दो नाम दिए थे जो नाम बताने के बाद प्रभु राम और दुविधा में आ जाते हैं कि क्या इसकी सच्चाई है? पढ़ना इस बारे चैप्टर पर थोड़ा बहुत देखोगे ढूंढ के बताइए लव और कुश ने अपने माता के कौन से दो नाम बताए। What is the two names? देवी, तपोवन में रहने वाले लोग उनको देवी करके बुलाते हैं, और वाल्मीकि, वाल्मीकि उन्हें कौन सा नाम से पुकारते हैं? आयुष और विकास पता नहीं क्या बोल रहे हैं। देवी और दूसरा नाम वाल्मीकि वधु। प्लीज अंडरलाइन ये छोटे छोटे प्रश्न है। वधु वधु लीव वधु वाल्मीकि वधु या देवी इन दोनों नाम से उनको बुलाया जाता है। चलो और कुछ को उनका यही दो नाम पता है और प्रभु राम को ये दो नाम नहीं पता है। इसके वजह से प्रभु राम के मन में शंका निर्माण होती है कि हम सच्चे नहीं जाने बिंदु कैसे, कि क्या वाकई में मेरे पुत्र है या केवल मुझे वो आभास हो रहा है, उनके प्रति प्रेम लगाव हो रहा है क्योंकि मेरी कोई संतान नहीं, तो सच्चाई क्या है? राइट और तब तक वहां पर विदुषक यानी वहां के मंत्री आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आपके कार्यक्रम का समय हो गया है, अभी आपको कार्यक्रम के लिए निकलना होगा। और कुछ वहां से चले जाते हैं। प्रभु राम भी कहते हैं कि चलो आज हम भी इस कार्यक्रम को देख रहे थे, बट वो जाते जरूर नहीं, बट उनके मन में शंका वैसे ही के वैसे ही रह जाते। योर चैप्टर इज कम्प्लीट नाउ आयुष इज क्लियर। वो घोड़े वगैरह सब बाद में है, फिर आगे किसी मुलाकात होती है वो मैंने आगे का बता दिया। पेज नंबर 186 ये है वो घटना क्रमानुसार। सो आई एम टू गिव अ स्मॉल कंपटीशन अमंग फोर ऑफ देम। सबसे पहले घटना कौन सा होगी? है तो टेक्स्ट बुक सामने रखो या वॉल्यूम में आगे पीछे करने में दिक्कत हो रही है तो वॉल्यूम में ढूंढ के करो। पुट द नंबर्स, पहला क्या होगा दूसरा क्या होगा? जो सबसे पहले सवाल कर लो उसको मैं 2 मिनट पहले छोड़ दू, सोच लीजिए इसकी जरूरत सबसे ज्यादा किसको है और किसको ज्यादा मेहनत की आवश्यकता है। वेरी स्मार्ट आयुष टेक्सटबुक सामने दिया है, एक्चुअली इज अ गुड। सामने बार बार पीछे पलट कर देखने से अच्छा है टेक्सटबुक से ढूंढना ज्यादा आसान है। दो मार होते हैं तो कम निकाल दे, तो पीछे पलटने की जरूरत नहीं, दोनों साथ में बैठो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वेरी ऐसा लग रहा था ऐसे आभास हो रहा था। चलो चलो करो फास्ट, फिर हम गांव की तरफ बैठे थे और फिर चक्कर फाइट कर। आप क्यों नहीं आ रहे? आपके स्कूल वाला है तो आपको बाद में तो ढूंढना ही है। ज्योति मैम ठीक है करो 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 तो तुझे बड़े काम जैसे मैं आपको कभी अटेंशन दूंगी।
इसका हो गया उसका चीटिंग करने के लिए वीडियो बन करके बैठ गया कहां से तो कॉपी कर लूंगा है अब चाकर भी बाल की कोशिश होंगे हमारी दोनों आंखें हम दोनों भी बैठ गई फिर बड़ी सी क्लास में नहीं की चुपके के बारे में हम चार हो बाकी वॉल्यूम मध्ये बघू शकता सगळ्या नाही वॉल्यूम मध्ये ऑर्डर पाहिजे उत्कर्ष आणि आयोजना केली प्रेझेंट मॅडम चलेगा चार में से एक में पास है ना कुछ पसंद हेलो तुक्का मारून पहिला नंबर काढायचा तुक्का मारून नंबर काढायचा वेरी गुड स्वयं मैडम यस ज्योति जी अनुज आहे तो येणार नाहीये कारण त्याच्या घरी प्रोग्राम आहे आर्या आहे ती आजारी आहे आणि लिप्साला एक त्याचा टेस्ट आहे म्हणून ती येणार नाही क्लास मला मिळाला मेसेज ठीक आहे थँक्यू मॅडम उत्कर्ष आणि आयुष डन हम पाच हुआ फिर हमारे प्रधान महोदय बड़े स्मार्ट है फटाफट से करके खत्म भी कर दिया बोलना नाम
वेरी गुड. चलिए फास्ट सॉल्यूशन देवानी. गुड. उसका बाकी देवानी का हो गया. इट इज अ लिखर रेडी. चलिए फर्स्ट सेंटेंस आयुष. आयुष ने पहले पास कर दिए. फर्स्ट सेंटेंस आयुष. मैम खो वाला सर सिंहासन दड़ो राम राम लो. वेरी गुड. इट इज अ फर्स्ट. सेकंड उत्कर्ष. खो वाला राम राम कुशल बहु कुशल हो आस आसनार्थम उपवेश. वेरी गुड. नंबर थ्री वेदांत. शरीर सन्निवेश वयस्तु किंचित अंतरम. गुड. फोर. नंबर फाइव. हम इसका मतलब क्या शिव वाले का समरूप वाला ना. हाँ समान रूप वाले समान शरीर वाले और आयु में भी कोई फर्क नहीं. तब उनका रिप्लाई आता है व्हाट. आवाम यमलो. आवाम यमलो. एक मिनट. नंबर फाइव बराबर. नंबर सिक्स उत्कर्ष. अहम अहम अत्र भवतो जनकम. नंबर सिक्स. यस जनक नाम तो अहम अत्र जनको. नंबर सिक्स मम पिता नाम. त्याच्या आधीच नाही गेलस. अहम अत्र जनक बरोबर. नंबर फाईव्ह इज अहम अत्र जनक. नंबर सिक्स मम पिता नाम निघत. नंबर सेवन किम कुपिता एव भरति. एंड नंबर एट तस्याः द्वे नाम. उत्कर्ष इज इट करेक्ट और कुछ गड़बड़. सही है. गुड. आयुष ने तो बातचीत की है तो उसके बाद तो कुछ सवाल ही नहीं होता है ना. चले सभी को मैं एक एक ही पैसे देती हूँ तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा. कवाला पैसेज वेदांत ने ऑलरेडी शुरू किया है तो लेट हिम कंटिन्यू. कवाला पैसेज. सेकंड वाला पैसेज आयुष आप करोगे. ठीक है. उत्कर्ष आप करेंगे ये अन्वय. दोनों अव्यय क और ख वाला. ओके. एंड प्रश्न निर्माण करेगी हमारी मैडम. एंड अगेन घटना फॉर फोर ऑफ. ओके स्टार्ट. बोल. चलो स्टार्ट करो बेटा. सबको दो दो क्वेश्चन देंगे. मैम मेरा क्वेश्चन नंबर टू है या ख वाला है. ख ख. हाँ बोल. क्या प्रॉब्लम है. माता माता कदा स्वपुत्रम ये प्रदस्य पुत्रो इति अधिष्ठित. माता कब अपने बेटे को दुष्ट के बेटे वैसे बोलती है. ये क्या बोला दिया. यदि आवयो बालम नव जनता किंचित अभिनय पश्यति तदा एवं अधिशिपति ने पुनस्य पुत्र. इधर मार्ग पर एक बार जब हमें मस्ती करते हुए देखती है तब उसके मुंह से निकल जाते तो किसी कुछ कभी बोलता.
उत्कर्ष आयुष सेकंड वाला अंदर इसके लिए कौन सा शब्द यूज किया गया धारक करो एक आसूत्र चलो शैल वी डिस्कस यस घटना हाँ घटना मत खेलो घटना होमवर्क एक्सरसाइज का सभी को दो दो क्वेश्चन है एक पैसे जाने की घटना घटना फॉर एवरीवन सात या कुछ अपना इंट्रोड्यूस कर दिया तो मेरा नाम कुछ वाह मुझे अच्छा लग रहा है इनको देख कर विकास वर्ष निश्चित रूप से भगवान मानने की ये हमारे गुरु हैं जो स्टेप थर्टी में हो गए विष्णु दर्शन आपके दर्शन से मुझे हमें बहुत खुशी हुई थर्टी में हो गए आगे से मंदिर आना और वो जब वो मुझसे आपके नाम के हैं तो कहते हैं आगे भी मुझे फिर कुछ नया सीखने के मैं हूँ लव
चलिए स्टार्ट कुछ लोग हो गुरु हो कहा से मर से खड़े ढंग से बाद में की प्लीज माँ उत्कर्ष आयुष देवयानी उत्तर माँ का लग गया कहा लोग कुछ हो जनक नाम कौन लोग कुछ के जनक के नाम के बारे में जानना चाहते थे कौन जानता था कि लोग कुछ के पिताजी कौन है वाल्मीकि में क्यों जानना है जानना है राम राम हाँ माँ करो आंसर आयुष आंसर माँ करो बेटा ये चैप्टर के क्वेश्चन थोड़े से ट्विस्टेड है लास्ट ईयर तक ये चैप्टर कैंसिल था बोर्ड में इसी साल वापस रखा है क्योंकि ऑनलाइन में इसका क्वेश्चन ऐसे करना थोड़ा मुश्किल रहता है एंड चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट है और क्वेश्चन ऐसे स्विच वोच के करने पड़ रहे हैं डायरेक्ट आंसर माता कदा सो बोलते हो नी क्रोध से पुत्र अधीक्षिपति यस सेकंड लास्ट क्वेश्चन का डायलॉग है ना वो वाला प्लीज मार्क यदि आप यो बाल जनितम किंचित अविनयम पश्यति तदा एवं अधीक्षिपति नी क्रोध से पुत्र मा चाहुलम इति डन लव कुश यो अम्बा प्रति विदुषका किम अगत है प्रकृति स्था कही बोला ना क्या वो जब बहुत गुस्से में आती तब बोलती है क्यों Yes. Next. भगवान वाल्मीकि लव कुश के बारे में अम्बा के प्रति विदुषक की क्या मान्यता है ये लास्ट वाली लाइन एतरी अगर वो अपने पिता को निक्रोध से संबोधित करती है तो ये माता तव अपमानित जना नहीं सकती एतेन वचनेन मतलब एक्चुअली विदुषक को थोड़ा बुरा लग रहा है जब माता उन बच्चों के सामने पिताजी के बारे में ऐसे बोली यूज करती है तो वो तो इनडायरेक्टली अपमान ही करती है बट राम को ये बात करती है कि अपमान कहा वो तो सच बता रहे और सच हमेशा चले नेक्स्ट भगवान वाल्मीकि इन दोनों में से विशेषण क्या है भगवान हमारे आयुष तो मन में धारण करके बैठ गए इच्छामी आमी है आमी फॉर्म लगा है क्या होगा आंसर उत्कर्ष आयुष इच्छामी इच्छामी हाँ राइट बाद में मिलती है पुत्र हम बेटा हम राम के लिए तो यूज हुआ हाँ बेटा हम भी राम के लिए यूज हुआ तो फिर राम भी करेक्ट है नहीं बेटा इच्छामी एंड में आमी फॉर्म लगा है आमी भी यूज फॉर उत्तम पुरुष एक वचन और उत्तम पुरुष के एक वचन डायलॉग आपका है ना हाँ डायलॉग हो या कुछ भी हो ये चीज आपको हमेशा के लिए याद रखनी है मध्यम पुरुष के पार्टनर फिक्स है क्या है तुम युवा और उत्तम पुरुष के पार्टनर फिक्स है कौन है अहम आर यू गेटिंग उत्कर्ष ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए डालते हैं पुत्रों का समानाधि बड़ों का धारक का हो सेकंड ऑप्शन कथा यति बड़ा थी राइट सेकंड पैसेज आयुष की उत्कर्ष किसका था मैम मेरा था आयो अभी इसको तो सॉल्व किया है लव कुश है मातारम तपोवन नसीना केन नामना आवयति मैम देवी वेरी गुड अयम प्रवास कीदृश अस्ति आसीत मैम मैंने अति क्या था वो अति दीर्घ लिखा है ये प्रवास मेरे लिए बहुत कठिन है देखना अति दीर्घ वही लिखा है ना हाँ यस बहुत ही लंबा है दुखी है पूरी जिंदगी कैसे काटूंगा अपने बच्चों के बिना सा तपस्विनी केन अपराधेन हम इसका क्वेश्चन नहीं किया ये वाला नेक्स्ट का किया
इसका मैं नहीं आंसर फर्स्ट का सात अपस्विनी केन अपराधेन का मन्युर गर्भे अक्षर ही निर्वसित वो तपस्विनी किस अपराध से किसको दुर्वचन कहती है हाँ इसका आंसर देख फर्स्ट लाइन में तपस्विनी माम माम की जगह क्या आंसर होगा तपस्विनी मुझे ही अपराधी समझ के मेरा अपमान कर रही है मेरा मुझे कौन कौन बोल रहा है राम बोला ना अपना डायलॉग क्या होगा राम हाँ ओके बेटा यस मैम माम के जगह राम बोल रहा हूँ नेक्स्ट फर्स्ट लाइन तपस्विनी से लेकर और माम की जगह हटा के राम करो आंसर में सरल संधि है ना बड़ा माम मत पूछते उसमें राम डालोगे कभी भी आंसर में सरणाम ही आना चाहिए सरणाम को शब्दों के साथ रिप्लेसमेंट करना है ठीक है आगे बोल बेटा विशेषता तपोने किम न युक्तम तपोने स्त्री गति युक्तम क्या था औरतों के बारे में पूछना गलत है स्पेशली तपोवन की औरत सेकंड लाइन राम के डायलॉग में देख सेकंड लाइन सेकंड वाला राम का डायलॉग स्त्री गतम अनुयुक्तो विशेषता तपोवन औरतों के बारे में पूछना ही गलत है और स्पेशली तपोवन की औरतें तो तपस्विनी कहा जाती है तपस्विनी के बारे में कोई भी वाक्यता करेंगे ये तो बहुत ही अपवित्र कार्य होगा नेक्स्ट दिक् माम एवं भुक्तम अत्र प्रयुक्तम मुझे मेरा अधिकार है कौन बोल रहा है हम राम यस दृष्ट्वा का पर्यायवाची वर्ण क्या होगा हम राम आए होगा ना कि राम के लिए फर्स्ट का राम आए होगा ना कि राम के लिए यूज हुआ उन्होंने ऐसे किम का कुछ बोला ही नहीं है एक्चुअली जब ऐसा नहीं है तो प्रश्न कैसे होता है कि दिक् माम एवं भुक्तम यहाँ पर या यहाँ ये शब्द किसके लिए यूज किया गया तो चतुर्थी के हिसाब से भी आ रहे हैं एक्चुअली यहाँ कस्मय वर्ड इज मिसिंग अगर यहाँ क्वेश्चन किम होता तो राम करंट होता बट इन क्वेश्चन किम इज नॉट देयर तो भी कंसीडर चतुर्थी रामायण ओके आगे बोलिए दृष्ट्वा हम वृत्तानुत दृष्ट्वा इत्यत्र किम पदम अत्र माम पदम कस्मै प्रयुक्तम दृष्ट्वा का समानुति वर्ण विलोक्य करेक्ट इसका गलत हो गया अभिजी समय रहा का पर्यायवाची वर्ण क्या होगा करेक्ट समरूप कुटुंब वृत्तांत विशेषण पर हम समरूप वेरी गुड अन्वय उत्कर्ष समझ जोड़ का सी नंबर ही बता दीजिए यस मैम हम तो बस ये आंसर्स बोल रहे हैं यस मैडम तो फर्स्ट में शिशु जना रहेगा सेकंड में थर्ड हिम कर और फोर्थ मस्तक पशुपति मस्तक नंबर फोर इज मस्तक नहीं आया ना कंफ्यूज हो गए ना आगे बोलिए भवंतौ गायन फर्स्ट का गायन तो सेकंड किराम
थर्ड का श्लाघ्या और फोर्थ का श्रोतारा करेक्ट नेक्स्ट रामस्य कस्य हृदय ग्राही वेरी गुड की तुशी सेकंड ऑप्शन मां कम द्वे ओके पयो किम प्रति माम इज काम द्वे मतलब कथी इज अ नंबर्स एंड भ्राता रो हाँ चले घटना फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा उत्कर्ष आयु शनिवार सेकंड लास्ट वाला उपनयन उपदेश ओके नेक्स्ट हम फर्स्ट वाला सेकंड लास्ट वाला होना चाहिए फर्स्ट वाला क्या होगा उपनयन विषय करेक्ट सेकंड फर्स्ट ही क्या नहीं उसके पहले भी एक है मैम अहो हृदय ग्राही अहो हृदय ग्राही स्पर्श सब जो शुरुआत में बोले ना चैप्टर में देखो शुरुआत में पूरा टेक्स्ट बुक एक मिनट लेट मी जस्ट चेक हम युष्मा दर्शना कुशल मी हो फर्स्ट है नेक्स्ट अहो हृदय ग्राही स्पर्श नेक्स्ट आपके दर्शन ये उसके पहले आ रहा है विष्णु दर्शन तो पहले आ रहा है आपके दर्शन बाका खुश हो गया सेकंड इज और उधर ग्रह स्पर्श नहीं उसके पहले है ना मैं आपके नाम जानना चाहूंगा नेक्स्ट इज अहम लव पहले लव नहीं बोला फिर क्वेश्चन नहीं बोला पूरा नहीं था ठीक है राइट नेक्स्ट उपनयन उपदेश जाना भी कस्य नाम अग्रेय ए उपनयन उसके पहले जब जाना भी नाम अंतर है उपनयन उसके पहले तो उपनयन हो जाएगा ली जाना भी नाम फोर देन वी सी अशा ल तुम्हारे गुरु को वाल्मीकि रह गई Five, eight, six, seven, eight, eight, four, five, seven,
3, 1, 6. Done. Repeat, color brown. Eight, four, five, seven, two, three, one, six. Yeah, next one. ग्रामर में थोड़ा सा रिकैप करेंगे क्योंकि अभी हमारी मैडम की एग्जाम आ रही है, फिर हम जननी तुल्य वत्सल आफ्टर द ब्रेक शुरू करेंगे. ब्रेक नहीं दूंगी मैं, आई कंटिन्यू बिकॉज समबडी वांट टू गो लिटिल अर्ली और उसने बेचारे ने अपनी स्ट्रगल से प्रूव कर दिया आई डिजर्व इट, आई कैन गो 2 मिनट्स. चले वॉल्यूम निकालिए. लास्ट वाला पेज देखिए जिसमें आपको ग्रामर की प्रैक्टिस मिलेगी, जिसमें अशुद्ध संधि समास सब है. ग्रामर सेक्शन उत्कर्ष आयुष तू पण शोधू शकतोस ना, मम्मी कशाला मेहनत करू ना, एक्झाम तर मलाच लिहायची. असं असं ते किती बरं झालंस ना कि यू हैव अ चॉइस, उससे लिखो या किसी और से. दुनिया इतनी तरक्की करके चली गई बट ये मामले में तरक्की नहीं है ना. वेरी गुड, चलो कोई तो है हमारे बारे में सोचता है. ए चित्र पण आहे का ग दिव्यानी? चित्र वर्णन सगळ्या एग्जाम आणि पत्र. चले फिर एक चित्र हो जाए. आज चॉइस दे रहे हमारे विधान को क्योंकि बेचारा इस बार सारे काम वक्त के पहले कर रहे हैं. पटका साहब बोले चित्र ड्रॉ कर 50 कर यार. एक अनुवाद है पत्र और चित्र अंदर भी आ रहा है ना, पेज में भी ओपन करो. चलो फास्ट उसी में मार्क करना है, कई बार भी टाइम वेस्ट नहीं करना है अलग से लिखने के लिए. 50 एक पत्र है वो डिस्कस करेंगे, फिर चित्र. मैं तुम्हारा आगे पीछे एक्सेल नंबर 5 पेज में देखो क्या एक पत्र और एक चित्र. जो वर्ड के मैंने नहीं पता है पूछो गया बाद में बोलना मत, मैं पूछने वाली. प्रदास्यते का मतलब क्या? देना, प्रदान करेंगे. फ्यूचर टेंस. आशीषेना मीनिंग ऑफ आशीषेना. एनीवन आशीषण का क्या मतलब होगा? आशीर्वाद से. आशीर्वाद ब्लेसिंग. अच्छा देवन मैडम बड़ी स्मार्ट है, कोई मीनिंग में कोई डाउट नहीं. वेरी स्मार्ट. आशीषण का मीनिंग आशीषण का ब्लेसिंग. ये पढ़ ली प्रदर्शित देंगे, प्रदान करेंगे देंगे. उत्तरण म्हणजे काय सर? उत्तरण म्हणजे चुप आहे मनुष्याचा शब्द ग. उत्तीर्ण उत्तीर्ण म्हणजे समय सेकंड वर्ड म्हणजे उत्तीर्ण. उत्कर्ष आयुष पास. व्हेरी गुड. जीवन के लाइफ में तो पास नहीं होता है. पास
क्लोज नाही पास म्हणजे एक्झाम मध्ये पास होईल तर ते पास. चित्रम का मतलब क्या होगा? चित्र चित्र यहाँ चित्र का मतलब मिश्रण चित्र का फोटो लिखो फिर उसके बिना आपका आएगा ही नहीं पासन पूरे पत्र में लग जाओगे. अपितु फिर भी चल स्टार्ट कीजिए पूरा नंबर ही होंगे. पिताजी के चरणों में पूजनीय रिस्पेक्ट सिर्फ नंबर ही करनी है. तो क्या कर रहे हो? मैं आगे की तैयारी कर रही हूँ. डन. टू मोर मिनट्स बस बस फिर हमें चैप्टर फाइव भी शुरू करना है. फिर इसके लिए हमें प्रत्यय पढ़ने का है. प्रत्यय शायद इस अर्थ में शायद प्रत्यय मुझे एक बार देखने का हम होंगे. वार रहती है चार जब मुझे इसके बाद प्रति लेना हो सुपर थे कौन कौन से Done this? Very good. Done. 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 Yes, ma'am. Ayushi. Yes, ma'am. मैं कर ही रहा हूँ, है ना? First क्या होगा? Dash पितृ चरण. पूजा साधारण सेकंड यस प्रणाम अत्र कुशलम कुशलम कार्यला पठस्तु अत्र कुशलम नमः भोर इतद्यत्वा प्रसन्न प्रसन्न न केवलं प्रथम श्रेण्यां उत्तीर्णम. Very good. Utrina bhavan dash. Apitu. 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 Prathama sthanam labhvan. Mat krute vishishta chhatravritti. Chhatravritti ka kya matlab hota hai? Hindi mein bhi shabd hai. Very good. Scholarship. Mere liye scholarship bhi pradan karenge. Samachar patreshu homa dash. Abhi prakashita ho. चित्रम फोटो भी मेरा प्रकाशित हुआ है. इदं सर्वं भवतो मातरो पितरो आशीषेण. वेरी गुड. आपके माता पिता के आशीर्वाद से हो पाया है. कुछ मात्र नंबर पे दर कुछ का शुरू भी ना आ कुछ अब मातृ चरण में मम्मा प्रणाम. यस कुछ का स्पेस तो है नंबर्स में भी ना 3 5 4 1 2 7 9 10
8-6. थोड़ा स्लो जा रहे बेटे, हमारी गाड़ी बहुत स्लो है। हाँ बोलो, 2-3-3-3. हाँ बोलो बेटा, खुद का शॉर्ट वर्ड है 3-5-3-5-4-1-2-7-9-10-8-6. चले चित्र बनाने में मैं चाहती हूँ सब लोग अपने अपने चित्र बनाते हैं। Yes. सब लोग, इससे मुझे पता चलेगा हाउ यू आर गोइंग टू फ्रॉम फ्रेम द सेंटेंस। उसके बाद भी गो अहेड विद द प्रत्यय टॉपिक जो उसके से स्कूल के सिलेबस में। चलो फर्स्ट सेंटेंस एवरीबॉडी ट्राई। और इस बार आयुष से मुझे पहले सेंटेंस सुनने। आयुष। यस मैम। इस बार सेंटेंस मुझे तुमसे सुनने हैं। ओके चलो ट्राई करो। चाहे तो मैं मीनिंग बता देती हूँ। रंगशाला का मतलब क्या होता है? एनीवन? एंटरटेनमेंट रूम जहाँ रंगशाला होती थी। बाकी तो सारे बढ़िया फैमिली है। स्टार्ट।